भूल गए ठकुराई हरे कृष्णा, भूल गए ठकुराई राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई हरे कृष्णा, तामे झूठ उठाई। आप प्रेम के अतिरिक्त, आप प्रेम के अतिरिक्त कहीं हठ नहीं कर सकते प्रभु से। एक यहां है जहां पर हठ भी स्वीकार किया जाता है कि गंगा किनारे खड़े हैं श्री रघुनाथ जी, उस पार जाना है, और केवट कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा, आपको चरण धुलाना पड़ेगा। हठ है भक्त की और प्रभु को बात पूरी करनी पड़ती है। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। और वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए केवट उनको नाव चढ़ाए। और फिर केवट हद कर देता है, कब? जब भगवान उतराई देने लगते हैं। केवट बोला नहीं रघुराई, प्रभु लगे देने उतराई। केवट बोला नहीं रघुराई, बोले क्यों नहीं लेनी उतराई? तो केवट कहता है नाई सोना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, तेरे से उतराई लेत कुटुंब से निकारी हूं। बोले प्रभु नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, आप और मैं भी एक जाति के हैं, मैं आपसे कैसे ले लूं? लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, बोले इसकी दुष्टता देखो, हमें अपनी जाति में मिलाता है ये केवट, ये नीच जाति, हीन जाति। बोले प्रभु बात तो एक ही है, मैं गंगा पार कराता हूं, आप भव से पार कराते हैं, और मैंने तुझको पार किया है, याद रखना कि मैंने आपको बिना उतराई लिए उस पार उतारा था, मैंने तुमको पार किया है। ऐसे ही मेरे जीवन में भी अवसर आएगा जब नैया के खेवनहार आप होंगे, मुझे उस पार जाना होगा, प्रभु तब आप भी मुझसे बिना उतराई लिए मुझे उस पार कर दीजिएगा। ऐसी छूट, ऐसी स्वीकृति, ऐसा हठ, ऐसा अवकाश आपको प्रेम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा, सेवा के अतिरिक्त नहीं मिलेगा। सर्वोपरि है भजन का भी यदि कोई फल है तो वो सेवा है। इसलिए महाराज ने फरमाया मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप कराए। जहां सेवा शब्द का प्रयोग माने वहां पर आत्मीयता है, वहां पर आप किसी नियम या सिद्धांत के बोझ तले दबकर पूजा अर्चना नहीं कर रहे। सेवा अर्थात सुख, आपका सुख, जिसकी सेवा हो रही है उसका सुख। बड़ा सरल शब्द है, बड़ा मधुर शब्द है, ये बड़ी मधुर रीति है ये सेवा। इसीलिए वृंदावन में भोर से सांझ, सांझ से भोर, कबहुक निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, जहां नितनित झूला नितनित रास। और जैसे जैसे सेवा, जैसे जैसे सेवा की रीति पूर्ण होती है, हृदय में उत्साह उल्लास बढ़ता चला जाता है। हर दिन मंगला में, हर दिन संध्या में राधा वल्लभ कुंज बिहारी नए हैं, दिने दिने नवम नवम नम संभव। सेवा जो हृदय में नित्य नवीनता बनाए रखती है कि अब ठाकुर क्या पाएंगे। आप देखो जब जब आपके जीवन में सेवा आ जाती है ना, तो सबसे पहला तो सेवा का क्या फल है, जो अभी तक ठाकुर था, जो अभी तक केवल ठाकुर था, सेवा के जीवन में आते ही वो क्या हो गया, मेरे ठाकुर जी। आप कहते हो मेरे ठाकुर जी के भोग का समय हो गया, मेरे ठाकुर जी के स्नान का समय हो गया, ये हमारे ठाकुर जी हैं, इन्हें ये रुचता है। आप देखो सेवा ने क्या किया, केवल उस भाव ने जीवन में आते ही आपने केवल ठाकुर को मेरा ठाकुर कर दिया, मेरा, उसने आत्मीयता दे दी, अपनापन दे दिया।
और यही अपनापन तो साधन की उपलब्धि है। प्रभु से अपनापन हो जाए, वो आपके अपने हो जाएं। आप देखो जो तथाकथित अपने हैं उनसे लड़ते भी हो झगड़ते भी हो लेकिन फिर भी सारा जीवन उन्हीं के साथ रहना चाहते हो, क्यों? क्योंकि वो अपने हैं। ऐसे ही जब ठाकुर अपना हो जाता है फिर जीवन में सुख की हवा आए या दुख का झोंका लग जाए। सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा दुखानु विदातिया सुखानाल नालवा दुखानु विदातिया मैं सुखानाल लादवा। जेड़ा वेला हस के गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा पाया तेरे दर तो मैं शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। संतोष ले आती है जो जीवन में, संतोष का सुख। और भजन में आनंद क्यों नहीं होता, कभी इस बात का मन में विचार करिए। आप कह तो देते हैं मन नहीं लगता, थोड़ा और आगे बढ़िए और विचार करिए क्यों नहीं लगता। संतुष्ट चित्त को भजन में उल्लास होता है। अगर आपको अपने जीवन से शिकायत है शिकवा है तो आपको भजन में आनंद नहीं होगा। आपको प्रभु ने जो दिया है, आपको प्रभु पर विश्वास है कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, लोकी नंगे पैरी फिर दे ते सिर ते लब दे छावा, लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता मैं क्यों ना शुक्र मनावा। सेवा आपके जीवन में संतोष ले आती है और संतुष्ट चित्त को ही भजन का आनंद होता है। जिसको प्रभु के विधान में खोट दिखाई पड़े वो भजन किसका करेगा, कैसा भजन करेगा। भजन से संतोष नहीं होता, भजन से संतोष होना भी नहीं चाहिए। भजन से संतोष नहीं होता, संतुष्ट चित्त से भजन होता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रवे नरा। और ये सेवा का अधिकार जीव को दिया आचार्यों ने। अनंत काल तक ये जीव ऋणी रहेगा उन आचार्यों का जिन्होंने हम जैसे जीवों को, आप देखो कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो ये हाथ नहीं करते, कौन सा ऐसा गर्हित कर्म है जो इन हाथों से नहीं होता। क्या ये हाथ किसी भी दृष्टि से भगवान का श्री अंग स्पर्श करने योग्य हैं? कदापि नहीं। प्रभु कृपा करके सेवा देते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं साहब प्रवचन उपदेश कोई भी कर सकता है, ये तो वाचन की कला है, ये तो बोलने की कला है। आपको एक की चार बात बनानी आती हो बन गई बात। और आज के समय में तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया काम यही है, मुंड मुंडाए भजन को सिर की मिट गई खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज।
ये तो पांचों उंगलियां घी में, बस आपको दो की चार बात बनानी आती हो, दो चार कहानी सुना लीजिए और दो चार बार हंसा दीजिए, दो चार बार नचा दीजिए, दो चार बार गवा दीजिए, हो गए महाराज जी, और क्या चाहिए। भगवत रसिक देव जी ने कई सौ बरस पहले कहा, बोले नाचे गावें चित्र बनावें काव्य करें चटकीली, पे सांच बिना हरि हाथ ना आवे सब रहनी है ढीली। जहां से आज हम प्रविष्ट हुए आज की चर्चा में, सत्संग का कथा का परिणाम क्या हो, फल क्या हो, कि मन संसार से हटके प्रभु के सन्मुख हो। अगर वो नहीं होता तो ना मैंने कहा ना आपने सुना। अगर मन प्रभु में नहीं लगा, अगर माला दो से चार नहीं हुई, सेवा में रुचि नहीं बढ़ी, तो ना मैंने कुछ कहा और ना आपने कुछ सुना। तो आचार्यों के चरणों की बलिहारी है जिन्होंने अस्मद आदि कलिमल ग्रसित जीवों को ये सेवा का धन सौंप दिया, ये सेवा की परिपाटी सौंप दी। तो सूरदास मदन मोहन जी थे, बादशाह के दीवान थे। एक स्थान है संडीले, उसके दीवान थे, बड़े ईमानदार बड़े शूरवीर श्री ठाकुर जी के भक्त, तो बादशाह भी उनका बड़ा आदर करता था। और सूरदास मदन मोहन जी की संतों की सेवा में बड़ी रुचि थी। संत को सन्मुख देखकर तो सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। और मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि सेवा करने वाला ही सेवा का सुख जानता है, बताया समझाया नहीं जा सकता। जो सेवा करता है वही सेवा का सुख जानता है। सेवा करने वाले को क्या प्राप्त होता है ये वाणी का विषय नहीं है। सर्वस्व न्योछावर करके भी भक्तमाल में एक से एक सुंदर चरित्र, वाणी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो सब कहे जा सके, एक से एक ऐसे चरित्र कि किस प्रकार परम अभाव होते हुए भी। देखो प्रभाव में सेवा करना सरल है, आपके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, कुछ हजार रुपए आपने दे दिए, तो प्रभाव में सेवा करना सरल है। अभाव में सेवा और जीवन में चारों ओर से अभाव होते हुए भी अपने अपने तन का वस्त्र तक बेचकर संतों की सेवा का प्रण निर्वाह किया, ऐसे ऐसे चरित्र भक्तमाल में है। और भक्तमाल के भक्तों की कथा कहूं सुनूं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अनंत काल में भी क्या कोई ऐसा समय हो सकता है कि इन भक्तों की महिमा सीमा का भी हम स्पर्श कर सके। मैं तो केवल इसी में ही अपने आप को कृतार्थ समझता हूं कि प्रभु ने इन भक्तों की गुण गाथा गाने का अवसर दिया है। क्या किसी भी दृष्टि से उनके भाव का स्पर्श किया जा सकता है? असंभव। तो सूबेदार थे बादशाह के, प्रतिवर्ष अपने सूबे से कर इकट्ठा करके और बादशाह के दरबार में भेजा करते थे। एक बार वर्ष भर में कर एकत्रित हुआ 13 लाख रुपए का, ये आज से 500 वर्ष पूर्व की घटना है। 13 लाख रुपए माने अकूत धन उस समय के लिए। और सूरदास मदन मोहन जी ने एक एक करके वो सब राशि संतों की सेवा में खर्च कर दी। और जब बादशाह को भेजने का समय आया तो सूरदास जी ने क्या किया, बड़े बड़े बक्सों में बड़े बड़े पत्थर भरे और बादशाह के पास में भिजवा दिए। और जो सबसे बड़ा बक्सा था उसके भीतर में एक पत्र लिखकर बादशाह के निमित्त भिजवा दिया। बादशाह के दरबार में जब वो बक्से खोले गए, बड़े बड़े पत्थर, और जब बक्सा सबसे बड़ा बक्सा खोला गया तो उसमें पत्र लिखा था सूरदास मदन मोहन जी का। पत्र में क्या लिखा, बोला 13 लाख संडीले उपजे। बोले बादशाह हम झूठ नहीं कहेंगे आपसे, इस साल आपके सूबे से 13 लाख रुपए की रकम जमा हुई थी। बोले 13 लाख संडीले उपजे और सब संतन मिल गटके, और बोले सब साधु संतों ने गटक लिए, और बोले सूरदास मदन मोहन हम आधी रात वृंदावन सटके। अब बादशाह का प्रधानमंत्री था टोडरमल, उसने कहा कि बादशाह ऐसा करके आप इसको छोड़ नहीं सकते,
इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए, इसको कारागार में बुलवा लेना चाहिए। पर अकबर जो था उस पर संतों की बड़ी कृपा थी, वो साधु संतों का सम्मान करता था, वो सूरदास जी के हृदय की सत्यता पर प्रसन्न हो गया कि इन्होंने न तो राशि छिपाई और ना मुझसे सत्य छिपाने का प्रयास किया। कुछ भी कह सकते थे, लूट हो गई, लूट लिया गया धन, खो गया धन, कुछ नहीं कहा। सूरदास जी ने निष्पक्ष होकर लिखा, तेरे लाग सनीले उपजे सब संतन मिल गटके, और सूरदास हम आधी रात को वृंदावन को सटके। अकबर ने कहा उत्तर भेजो, सारा दरबार देख रहा है कि जाने अब बादशाह क्या दंड देगा, और अकबर क्या उत्तर लिखवाता है। बोले अरे सटके तो हमारे सटके, तुम क्यों वृंदावन गटके। बोले भैया धन गया तो हमारा गया, तुम हमारी नौकरी काहे को छोड़ते हो। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, धर्मो रक्षति रक्षिता। लेकिन सत्य पर हजारों लोगों का अनुभव मैंने सुना कि ठाकुर जी पर भरोसा तो है, लेकिन जब जीवन में प्रतिकूलता आ जाती है, ऊंचा नीचा कोई समय आ जाता है, तब भरोसा हिल जाता है। भाई ऊंचे नीचे समय में बना रहे वही तो भरोसा है, अनुकूल समय में भरोसे की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अनुकूल समय का जो प्रवाह होता है वही आपको बहा के ले जाता है। भरोसा वही कि हाथ में विष का प्याला है और मीरा मुस्कुराती है, द्वार पे भूखा नाहर खड़ा है, मीरा मुस्कुराती है। भरोसा वो जो प्रतिकूलता में बना रहे। लेकिन आप कभी मन में विचार करना कि प्रतिकूल समय में भरोसा क्यों बना नहीं रहता, क्यों ढह जाता है भरोसा। क्योंकि हमारे जीवन में सदाचार नहीं है। विश्वास के बल को धारण करने के लिए जीवन में आचरण की शुद्धता आवश्यक है। छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं आप, छोटी छोटी बात पे, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर भी कहते हैं। आचरण शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, कैसे भरोसा भगवान का हृदय में टिके। क्या केवल आपकी मंदिर में जो मूर्त जिसकी आप सेवा करते हो, क्या भगवान का अस्तित्व केवल वहीं तक सीमित है। शायर कहता है, अगर अगर तू बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, अगर तू बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, और अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो फिर दाने दाने में कौन। यहां तो भक्त की दृष्टि कहती है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और ध्यान रखना अपने जीवन में भी कि उपासना ऐसी हो, आपकी पद्धति आपका सिद्धांत ऐसा हो जो आपके छोटे छोटे कर्म को भक्ति बना दे, छोटे छोटे कर्म को, ऐसी नहीं जो जो आपकी भक्ति को भी एक छोटा सा कर्म बना के छोड़ दे। कि आपने 2 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को किया और निवृत्त हो गए, जो आपकी भक्ति को भी आपके दैनिक जीवन का एक छोटा सा कर्म बना दे, ऐसा विचार मत लेकर चलना। विचार ऐसा हो जो आपके छोटे छोटे कर्मों को भक्ति बना दे। मैं तीर्थ व्रत ना करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, और जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। तो संतों के चरणों में ऐसा अद्भुत भाव देखकर बादशाह प्रसन्न हो गया, कोई दंड नहीं दिया। प्रभु की कृपा विचारी सूरदास जी ने स्वयं पर,
और मैंने कहा ना, जाने जीवन में कौन सी घड़ी, जाने जीवन में कौन सी घटना, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य, कौन सा विचार आपको हटाकर इस संसार से प्रभु की ओर सन्मुख करते हैं। वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन पहुंचे तो भाई वृंदावन के रसिकों ने वृंदावन का सेवन कैसे किया है कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाण वो है बड़ी चूक। कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, फिर वृंदावन मत छाड़िए। व्यास जी तो कहते हैं व्यास भक्ति को फल लयो, यद्यपि भक्ति स्वयं फल स्वरूपा है, फल रूपत्वात् च, भक्ति से ऊंचा कोई फल नहीं। पर व्यास जी कहते बोले भक्ति का भी अगर कोई फल है, व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूल। बोले वृंदावन की धूल मिल गई, वृंदावन की रज ने हमें स्वीकार कर लिया, वृंदावन रज पाए ली, सो पाए वो कहा रहे हो। भोर से सांझ अपने ठाकुर की रूप माधुरी में छके रहते सूरदास जी, और जो उनका नाम तो वस्तुतः सूरध्वज था, सूरदास संतों ने कह दिया और मदन मोहन ठाकुर ने अपनी तरफ से दे दिया। बड़ी सुंदर पद रचना करते थे सूरदास मदन मोहन जी, और उनके पदों का ऐसा प्रभाव था कि आज उन्होंने यहां पद रचा, रसिकों को पद इतना प्रिय लगता था कि एक थोड़े से ही काल में उस पद की ख्याति दूर दूर तक हो जाती थी। ठाकुर को उनकी वाणी बड़ी प्रिय थी, कोई संत जब सूरदास जी का पद गाता तो श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से सुनते। एक बार सूरदास जी ने एक पद लिखा और उस पद की अंतिम पंक्ति थी कि तुम्हें छोड़ अब कौन पे जाऊं और संतन की पन्ही को रक्षक कहाऊं। बोले प्रभु मुझे तो आप ऐसी सेवा दे दीजिए कि आपके द्वार पर खड़ा रहूं, और आपके द्वार पर खड़ा होकर क्या करूं, जो संत आते हैं उन संतों की पादुका की रक्षा करने की सेवा आप मुझे दे दीजिए। तुम रो कहाँ और कौन को कहाँ, तुम रो कहाँ जाऊं, पायन ते पेलो प्रभु तो नानत जाऊं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं बुल्लिया राती जागे ते दिने पीर कहावे, बुल्लिया राती जागे दिने पीर कहावे, राती जागण कुत्ते तय थी उत्ते, अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, अपने खसम दा अपने यार दा दर नहीं छड़ दे, पावे सौ सौ पै जान जुत्ते तैं थी उत्ते। तेरा तो मन, आप और मैं तो कैसे हैं, गंगा नहाई तो गंगा दास, जमुना नहाई तो जमुना दास, यहां से नहीं मिला तो कहीं और से मांग लेंगे, जरूरत है साहब कहीं से भी पूरी हो जाएगी। कोई कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है कोई गम से परेशान है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है, यहां से नहीं तो वहां से सही। पर सूरदास जी कहने लगे प्रभु आप पांव से भी ठोकर मारे, पायन ते पेलो प्रभु तो नानत जाऊं,
तो जैसा श्री ठाकुर जी को बड़ी प्रिय थी सूरदास जी की वाणी, ये पद रचा, संतों को बड़ा प्रिय लगा। और संत लोग ये जानते थे कि सूरदास जी के पद श्री ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं, तो बड़े लाड और चाव से ठाकुर जी को गा गा कर सुनाते थे। वृंदावन का जो ठाकुर है ना, वो राग और भोग का ठाकुर है, दो चीज से रिझता है, राग और भोग। सुंदर सुंदर उत्तमोत्तम भोग और उत्तमोत्तम राग। यहां नैन ना मूंदे ध्यान को, वहां ना तो कोई ध्यान है ना पूजा की विधि है, और किए ना अंगन्यास। वहां तो ठाकुर का नाम क्या है, रास बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। और राग और भोग संग संग चलता है, इधर ठाकुर जी को भोग लगता है, वहां बाहर समाज होता है, समाज नहीं हो तो ठाकुर जी भोग नहीं पाते। लाड़ है, चाव है, सरसता है, सरलता है, सहजता है, इस रीति में। तो एक बार श्री सूरदास जी मंदिर के द्वार पर पहुंचे, एक संत ने देख लिया, बोले आज सूरदास जी की परीक्षा करते हैं। मन में विचार किया, बोले सूरदास जी आप गाते हैं ना कि संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, तो ये हमारी पादुका है, जब तक हम लौट कर नहीं आ जाएं तब तक आप हमारी पादुका की रखवाली करिएगा, तब तक आप हमारी चरण पादुका की चौकीदारी करिए जब तक हम लौट कर नहीं आ जाते। संत भीतर गए, उनको परीक्षा लेनी थी। अब भीतर तो गए लेकिन बाहर लौटे ही नहीं। मंदिर के पट होने का समय आ गया लेकिन संत बाहर नहीं आए। और सूरदास जी झरझर झरते नयन, पुलकित तन, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे उनकी देह में, जो शायद श्री ठाकुर जी का दर्शन करने से भी न होते, वो वहां संतों की पादुका की रक्षा कर रहे हैं। नयन बंद हैं, अश्रु बह रहे हैं, पुलक हो रहा है, आने जाने वाले दर्शनार्थी सूरदास जी की दशा देखकर आश्चर्य में पड़े हैं। सूरध्वज हैं, सूबेदार हैं, यहां मंदिर में जहां पादुका उतारी जाती है वहां खड़े हैं। मंदिर का पट हुआ, संत बाहर आए, श्री सूरदास जी की ऐसी भाव दशा देखी, ऐसा प्रेम में विह्वल देखा सूरदास जी को, करबद्ध होकर सूरदास जी से कहा कि संत सेवा की जितनी आपकी महिमा सुनी थी, आप उससे कहीं अधिक निकले, आप केवल केवल कहते नहीं, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम, जो मनसा वाचा कर्मणा एक हो वो साधु है। मैं अपना मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ो, सबन सो तोड़ो, मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आसा, ऐसी भक्ति करे रदास। संत ने अपनी पादुका पहनी, सूरदास जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, बोले प्रभु आप यदि मुझ पर कृपा नहीं करते, आप यदि आज मुझे ये सेवा का अवसर नहीं देते, तो मुझे जीवन में कभी भी अपनी कथनी और करनी एक करने में क्या सुख मिलता है, ये कभी प्राप्त नहीं होता। आपने मुझ दीन पर कृपा की, आपने अपनी पादुका की रखवाली करने की सेवा मुझे सौंपी, और आज आपने मुझे इस बात का भरोसा दिला दिया, आज आपने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया कि मेरी कलम जो लिखती है मदन मोहन उसको अंगीकार करते हैं, श्याम सुंदर उसको स्वीकार करते हैं। अगर प्रभु स्वीकार नहीं करते तो मेरी कथनी को करनी में परिवर्तित करने की ये शुभ घड़ी कभी नहीं आती। संत के नेत्र भी सजल हो गए, पर संत ने कहा कि आज मुझसे एक अपराध हुआ है, आपको मैंने 3 घंटा यहां अपनी पादुका की, अपनी पाद त्राण की रखवाली में खड़ा रखा, और आप श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाए। एक संत वहीं से कहीं से जा रहे थे,
वो सूरदास जी की भजन की महिमा जानते थे। उन संत से कहने लगे, कौन जानता है कि आज दर्शन सूरदास जी ने नहीं किया या आज दर्शन तुमने नहीं किया। बोले कैसे? बोले तुम भीतर खड़े थे, तुम भीतर मदन मोहन के सन्मुख खड़े थे, तुम मदन मोहन को देखते थे, मदन मोहन सूरदास जी को देखते थे। आपकी दृष्टि मदन मोहन पर थी और मदन मोहन जी की दृष्टि, श्याम सुंदर जी की दृष्टि अपने सूरदास जी पर थी। ये जब से यहां खड़े हैं, क्योंकि प्रेम के जो अष्ट सात्विक भाव इनके इनके देह पर प्रकट होते हैं, वो प्रभु की सहज कृपा दृष्टि पड़े बिना संभव नहीं है। आप जितनी देर भीतर दर्शन कर रहे थे, प्रभु उतनी देर इन्हें यहां अपनी कृपा रस वृष्टि में स्नान करा रहे थे। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। और मेरा तो छोटा सा अनुभव ये कहता है कि श्री ठाकुर जी जब अत्यंत प्रसन्न हो किसी पर, जब उन्हें अपने अपने तीनों लोकों के भंडार में कुछ देने योग्य न मिले, तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होकर संत और सदगुरु की सेवा प्रदान करते हैं। इससे उत्कृष्ट जीवन का कोई लाभ नहीं है। जो क्षण संत सेवा में गया वही जीवन है और भक्ति का मर्म है। भक्ति अगर सुवास है, भगवान की सेवा अगर सुवास है, तो संत की सेवा इत्र है। फूल की खुशबू को किसी भी तरीके से बांध कर नहीं रखा जा सकता। पुष्प की सुवास को यदि संजो के रखना है तो एक ही तरीका है, उसका इत्र बना लिया जाए। फूल तो जब खिलेगा तब सुवास देगा, इत्र पास में हो तो जब चाहो जब सुवास लो। ऐसे भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा तो फूल की सुवास है, जब ठाकुर चाहेगा तब देगा। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जो तू आप करावे, सदा सेवा का आनंद लेना है। तो बोले साधु संतों की जो सेवा है ये उसी सुवास का इत्र है। जब साधु चरणों के निकट जाओगे, जब संत चरणों की सेवा करोगे, तभी वो सुवास आ जाएगी। एक छोटी सी घटना स्मरण हो रही है, समय तो हो गया, 5-10 मिनट और लेना चाहूंगा मैं। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज एक बार अयोध्या गए, श्री कनक भवन बिहारी का दर्शन करने। तो जहां उनकी गाड़ी रुकी, उतरे, एक छोटी सी बड़ी सुंदर कुटिया बनी थी। एक सेठ जी थे, उनके मन में बड़ी इच्छा रहती थी महाराज श्री की कुछ सेवा करने की, लेकिन महाराज श्री किसी से सेवा स्वीकार करते नहीं थे। ऐसा निष्प्रिय महात्मा इस शताब्दी में शायद ही कोई दूसरा हुआ। ऐसा निरपेक्ष संत जिसकी चाह गई, चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। तो सेठ जी के मन में बड़ी इच्छा थी और होना भी ऐसा ही चाहिए। शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण ना ले। हमारे मन का भाव ऐसा हो कि संत में सर्वस्व न्यौछावर किया जाए, और साधु ऐसा हो जिससे जिसको आपसे कण की भी अपेक्षा ना हो। एक संत ही तो है जो संसार में देने के लिए आता है, बाकी तो दाता है एक राम और भिखारी सारी दुनिया, बाकी तो सब मांगने वाले हैं साहब। एक साधु ही तो है जो देने आता है, संत ही तो देता है। तो बड़ी सुंदर कुटिया थी, सेठ जी ने बनवा दी, लेकिन वो अपनी सेवा प्रकट नहीं करना चाहते थे। श्री डोंगरे जी महाराज जैसे गाड़ी से उतरे, एक मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया, बोले महाराज जी ये सेठ जी ने आपके लिए कुटिया बनवाई। तो डोंगरे जी महाराज कहने लगे कि मेरे रहने के लिए इतना परिश्रम किया, इतना धन अपव्यय कर दिया मेरे लिए, अरे मैं तो कहीं भी रह जाता, साधु हूं, कहीं भी रम जाता, एक एक मेरे लिए इतना परिश्रम किया। बोले ठाकुर जी के दिए साधन का ऐसे दुरुपयोग किया जाता है मूर्ख कहीं का, डांट दिया डोंगरे जी महाराज ने उसे। अब उस सेठ जी को तो भाई रात भर नींद नहीं आए,
कि साधु की सेवा की और उसके प्रत्युत्तर में क्या मिला, फटकार, और वो भी डोंगरे जी महाराज जैसे किसी संत की फटकार। उसके मन में ये भय था कि महाराज श्री अप्रसन्न हो गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। पूरी रात इसी चिंता में व्यतीत हो गई, नींद नहीं आए। सुबह 4 बजे श्री कनक भवन बिहारी सरकार सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, डोंगरे जी महाराज उनके चरणों में बैठे थे। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, बोले ये मेरा भोला भगत है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, तेरी सेवा मैंने स्वीकार कर ली, तेरा भाव मैंने अंगीकार कर लिया। मंदिर की चौखट पे माथा घिसते तो जन्म भी बीत जाता है साहब। श्री ठाकुर जी मुड़के भी नहीं देखते, भगवान को वश में करने का तो एक ही मार्ग है, अहम भक्त पराधीन। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीर्थ नहाए। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवा। हमारे एक बड़े उच्च कोटि के नामनिष्ठ संत हुए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। एक बार उनके खेत में चने की फसल पकी थी, संतों की एक जमात कहीं से आ रही थी, खेत में घुसे, पूछा खेत किसका है, किसी ने बता दिया, बोले चतुर्भुज दास का है। तो संतों ने कहा अरे फिर तो अपना ही है, और चना तोड़ तोड़ के खाने लगे। किसी एक व्यक्ति ने जाकर चतुर्भुज दास जी से घर में जाकर कह दिया, बोले अरे आपने देखा है वो आपकी पूरी फसल पकी थी, कोई साधुओं की टोली घुसी और तोड़ तोड़ तक खाने लगी। चतुर्भुज दास जी मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। एक व्यक्ति ने कहा, बोले हमने उन्होंने हमसे पूछा किसका खेत है, तो हमने कह दिया चतुर्भुज दास का है। तो संत कहने लगे अरे चतुर्भुज दास का है फिर तो अपना ही है, और खाने लगे। जैसे ही चतुर्भुज दास जी ने सुना मूर्छित हो गए। लोगों ने सोचा शायद फसल की क्षति की आशंका से मूर्छित हो गए हो, कि महीनों की वो जो परिश्रम था वो व्यर्थ चला गया। श्री ठाकुर जी का चरणामृत मुख में डाला,